दोस्तों, जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे गेमिंग इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा कल्याण होता जा रहा है। पहले गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी, मगर आज देखो ना तो गेमिंग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है। गेमिंग इंडस्ट्री को लविंग करने वाले इतने ज्यादा पब्लिक हो चुकी है कि पूछो ही मत। यानी कि पहले यूट्यूब पे इतने यूट्यूबर्स थे जो गेमिंग की लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग के बारे में बताते थे, वो बताना पसंद नहीं करते थे क्योंकि गेमिंग जरा कोई देखता भी नहीं था। मगर आज के समय पर इतने सारे गेमिंग चैनल बन चुके हैं, इतनी सारी स्ट्रीमिंग हो रही है, जब से इतने अच्छे अच्छे गेम्स आने लगे हैं। अब एग्जाम्पल तो पबजी ले लेते हैं, काफ़ी ज़रा फेमस हुआ है गेम, इतने सारे चैनल बन गए उस पर, इतने सारे हिट्स हो गए हैं। टॉप इंडिया का चैनल है डायनमो गेमिंग, इतने ज़्यादा भयंकर गेमिंग चैनल बन चुके हैं ना, क्या बताऊँ। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी हुई है। इसी में अपन जानेंगे कि जो ये फ्री गेम्स होते हैं लाइक पबजी हुए और जो अलग फ्री गेम्स होते हैं, वो पैसा कैसे कमाती है। गेम्स अपन खेल रहे हैं, मगर आप कभी सोचना वो पैसा कैसे कमाती है इंडस्ट्री, क्योंकि वो आपको गेम दे रही है फ्री में, तो कैसे तो कुछ ना कुछ तो कमाती होगी, लॉस में तो जाएगी नहीं, वो कैसे कमाती है तो इसी वीडियो में बताऊंगा। तो मेरा नाम है, आप भी देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टैग विद एम जी। दोस्तों पहले आप एक कंसेप्ट समझो, दोस्तों जो पेड गेम्स होते हैं ना उनके इतने डाउनलोड्स नहीं होते जितने फ्री गेम्स के डाउनलोड्स होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पबजी है, पबजी फ्री गेम आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो सिर्फ आप डाउनलोड करते हो आपके मोबाइल में डाउनलोड आता है। जो पेड गेम्स होते हैं जैसे कि उनको आपको कुछ पैसे देने पड़ते हैं अपने अकाउंट में से गूगल प्ले स्टोर पे, जैसे कि 350 रुपये का हो गया, मान लो 10,000 जने इसको डाउनलोड करते हैं, तो 350 × 10,000 कर लो, या 50 मान लो 50 × 10,000 कर लो आप, तो जितना भी अमाउंट आएगा उस कंपनी ने इतने रुपये कमाए बस सिर्फ गेमिंग डाउनलोड से, ठीक है। अब जो नॉन पेड गेम्स होते हैं वो क्या है, नॉन पेड गेम में पब्लिक के माइंड में ये बैठ रहा था यार फ्री गेम पर डाउनलोड करके देखते हैं कैसा है, और ये तो पबजी है 1.5 GB का, ये तो फेमस वैसे ही हो गया, तो इतने सारे डाउनलोड आ रहे, तो डाउनलोडिंग का पैसा गया कंपनी के पास, ठीक है, फ्री गेम्स था और इतने सारे डाउनलोड गए। जो पेड गेम्स होते हैं वो लिमिटेड डाउनलोड होते हैं, और जो नॉन पेड गेम्स होते हैं उनके अनलिमिटेड डाउनलोड होते हैं, इनफाइनाइट भी कह सकते हैं, तो इतने सारे डाउनलोड होते हैं। अब बात आती है, तो जैसे जैसे कंपनी आपको अपडेट देती है, वो अपडेट क्यों देती है, किसी की आप गेम को छोड़ के ना जाओ, क्यों ना जाओ, क्योंकि वो उनसे गेम से आप रेवेन्यू वो कंपनी आपसे आपके द्वारा जरिए करे वो आपको पता भी नहीं चल रहा। कैसे, आप गेमिंग खेलते हो, खेलते ही होंगे, जैसे पबजी खेलते हैं, तो पबजी में आप अपनी अपनी स्किन्स खरीदते हो, गन की आरपी खरीदते होंगे आप अलग अलग, और अलग हेलमेट्स के स्किन्स और फ्लैग के स्किन्स, मतलब स्किन्स जो भी आप खरीदते हो, जो भी अर्न करते हो आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए गेम के अंदर सभी के सामने, तो जो भी स्किन्स वगैरह आप जो भी यूसी से चेंज करके पैसे देते हो ना, वो सब कंपनी के रेवेन्यू के पास जाता है, और जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, जो भी उनके डेवलपर है जिसने भी बनाया, वो सब डिस्ट्रीब्यूटर का उनका मैटर है। मतलब गेमिंग इंडस्ट्री डाउनलोड से तो इतना ज़्यादा कमाई दी ही है, और ऊपर से जो आप अंदर के सारे स्किन्स वगैरह आप खरीदते हो, सब कुछ जो भी आप पेड पैसे देते हो अंदर की तरफ जाकर, वो इसलिए, तो ये पूरा जरिया है गेमिंग इंडस्ट्री का पैसा। अब आप बोलोगे तुमने नया क्या बताया, तो नया कुछ है ही नहीं, ये मैं बता रहा हूँ बस कि ये एक जरिया है, और जरिया है जो गेमिंग इंडस्ट्री इतना ज़रा पैसा कमा रही है, जो पबजी है वो इतना ज़रा पैसा कमा चुकी है, जो कि एक पेड गेम भी पैसा नहीं कमा पाता, क्योंकि पेड गेम के लिमिटेड डाउनलोड होते हैं और नॉन पेड गेम के अनलिमिटेड डाउनलोड विथ अपडेट्स, वो इसलिए देते हैं कि आप उस गेम को ना छोड़ के जाओ, और वो आपको खूब सारे डाउनलोड आप उनसे परचेस करवाओ चीज़ें। तो बस ये छोटी सी वीडियो, मैं सर क्रेज चल रहा है पबजी का, तो मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो बस ये थी मेरी वीडियो, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, तो क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसी वीडियो ज़्यादा करता हूँ।